पाकिस्तान विफाक से 229 अरब रुपए कम मिले, इस कमी का डाका ना कहूँ तो क्या कहूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता साल विफाक से 835 अरब रुपए मिले थे, इस साल 606 अरब मिलेंगे। विफाक ने अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा मलबा कोरोना पर डाल दिया। एक छोटा सा एनालिसिस कि हर चीज़ को कोरोना पे डाल देना, अपनी नाअहली, FPR की अपनी शॉर्टकमिंग्स, फेडरल गवर्नमेंट की शॉर्टकमिंग्स को कोरोना पे डाल देना मुनासिब नहीं है। पंजाब के तमाम प्राइवेट लेबोरेटरीज में कोरोना टेस्ट के एक जैसे चार्जेस लिए जाएंगे, वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मुतालिका इदारों को फौरी इकदामात की हिदायत कर दी। चीनी कंपनियों से मुख्तलिफ माहिदों की तकरीब, चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का खिताब, कहा माहिदों से मुल्क में नई सरमायाकारी आएगी। CPEC हकीकत बनता जा रहा है, तवानाई के 8 मंसूबे मुकम्मल और 9 जेर तकमील है। अब फेज 2 के तहत रेलवे के नए ट्रैक बनाए जाएंगे, ज़राअत के शोबे पर भी खसूसी तवज्जो दी जाएगी। और कराची में कोरोना से मुतासर इलाकों में आज शाम 7 बजे से लॉकडाउन होगा। सील होने वाले इलाकों में खानों की टेक अवे और डिलीवरी भी बंद होगी। ग्रॉसरी और केमिस्ट स्टोर के अलावा तमाम कारोबार और इंडस्ट्रियल यूनिट्स बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी। अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए एक शख्स को शिनाख्ती कार्ड दिखाकर जाना होगा। पाबंदी ना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सिंध हुकूमत मुतासरीन में राशन तकसीम करेगी। लॉकडाउन वाले इलाकों में मोबाइल डिस्पेंसरी और यूटिलिटी स्टोर्स भी भेजे जाएंगे।